अच्छा भाई, कुछ मरीजों का पर्चा है, अल्लाह ताला सब मरीजों को शिफा दे। हम सबके अंदर कोई भी मर्ज हो, जिस्मानी रूहानी, अल्लाह हम सबको शिफा दे, हमारे घर वालों को शिफा दे, बच्चों को शिफा दे, और हमारे घर वालों के जो घर वाले हैं हम सबको जिस्मानी रूहानी दोनों सेहत दे दे, और हमारा स्ट्रक्चर और फिनिशिंग अपनी मर्जी के मुताबिक बना लीजिए, क्योंकि हम आपसे बिक चुके हैं, आपने हमें खरीदा है। जब हमको आपने खरीदा, इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मोमिनीन, हमने ईमान वालों को खरीद लिया, तो उसमें गाल भी दाखिल है, खरीदा हुआ माल है ये अल्लाह का। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गालों को रखना भी जायज नहीं, और बालों को रखना भी जायज नहीं, और सर से पैर तक अल्लाह की मर्जी पर फिदा होना सीख लो। आपकी बावफाई का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और अपनी बावफाई के लिए फरियाद कर रहा हूँ कि ऐ खुदा अक्सर को भी बावफा कर दे, और मेरे दोस्तों को, घर वालों को भी 100% बावफा करके और गरोह औलिया में शामिल फरमाकर तब अपने पास बुलाइए, क्योंकि फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। जिसको जिस गुनाह की आदत हो, ऐ खुदा अपनी नाफरमानियों से हम सबको पाक कर दे। खवातीन मर्द हो, खवातीन सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला 100% हम सबको अल्लाह वाला बना दे। और जिसको जिस गुनाह से निकलना मुश्किल लग रहा हो, वो मुझसे तन्हाई में मशवरा करे, क्योंकि गुनाह से निकलने के लिए हर गुनाह का अलग अलग तरीका है। इतना तरीका यहाँ मस्जिद में हम बयान नहीं कर सकते। लिहाजा जिसको जिस गुनाह से निकलने में मुश्किलात हो, वो अपने शेख और मुरब्बी से मशवरा करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ऐसा मशवरा दिल में आएगा, अल्लाह के पाक के करम से, कि आप निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला 40 साल 50 साल की भी गुनाह की आदतें छूट जाएंगी, कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला की दस्तगिरी है, पीर की दस्तगिरी और अल्लाह ताला की दस्तगिरी है। सुनो, ये कुनु मा सादिकीन का फैज है कुरान पाक का, कि मेरे खास दोस्तों में रहो तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी आ जाएगी। ये मकसद है कुनु मा सादिकीन का, मकसद क्या है कि तुम हमारे दोस्तों में रहो। क्या मकसद है इसका कि बस उनके दस्तरखान पर समोसे निकलते रहो, उनके साथ सफर की हवाएं खाते रहो? नहीं, उनके साथ मुझसे दोस्ती करना सीख लो, और अपनी आरजू का, गलत आरजू खुशियों का खून करना सीख लो, और मेरे लज्जत कुर्ब जो अफजल दो जहां है, उससे अपनी रूह को आशना करना सीख लो। हमारे चैनल अल्लाह वालों की सोहबत, फिर शुक्रिया अदा करोगे मेरे आशिकों का, और मेरे आशिकों की सोहबत का, और मेरी मोहब्बत की लज्जत का, और मेरे नाम के सुकून का तुम शुक्रिया अदा करोगे कि दुनिया में कहीं ये नहीं पाओगे। अगर हसीनों से बातें तो तुम क्यों भागते हो जब उनका हुस्न बिगड़ जाता है? जिनको तुमने बिरयानी पुलाव खिलाए, उन्हीं को तुमने 10 साल के बाद देखा, तो तुम उनसे नजर मिलाकर बात नहीं कर सके। मुंह दूसरी तरफ करके तुमने खैरियत पूछी है कि आपका घर वाले खैरियत से हैं, और नजर नहीं मिला रहे हो, और अपनी बिरयानियों का तस्करा नहीं कर रहे हो कि मैंने आपको कभी बहुत कुछ खिलाया था हालत रोगन और रंग रोगन में, हालत रंग रोगन में मैंने आपको बड़ा माल खिलाया था। तस्करा करते हुए शर्म आती, भागते हो। अल्लाह के नाम पर इस गद्दारी से तौबा कर लो। मेरे नजदीक दुनिया में इससे बड़ी गद्दारी नहीं है कि किसी अल्लाह के बंदे के वक्ती हुस्न पर उसको खिला पिलाकर गुनाह पर राजी करके और मुंह काला करो, और उसका मुंह भी काला करो। इससे बड़ी गद्दारी नहीं है, ये इश्क नहीं है, ये फासिकाना और गद्दाराना अमल है। सारी जिंदगी वो तुम्हारे धोखेबाजी पर लानतें भेजता। जब उसके तसव्वुर में ऐसे आशिक और फासिक आते हैं तो गालियां देता है, लानतें भेजता है, बद्दुआ करता है। ये इश्क ही नहीं, इश्क वही है जो अल्लाह ताला से होता है और अल्लाह वालों से होता है। इन इश्क ना की दर मर्दुम बुवत, मारूवी जलालुद्दीन फरमाते हैं कि ये इश्क नहीं है जो आदमी आदमी से करते हैं, इंसान इंसान से करते हैं। इश्क क्या है? ये इश्क नहीं है, ये फसाद अज खुर्दने गंदुम बुवद, ये गंदुम खाने का फसाद है। अगर रोटी न मिले 10 दिन सारी आशिकी भूल जाओगे, फिर रोटी ही रोटी चिल्लाओगे। लिहाजा मोहब्बत अगर दुनिया में है तो अल्लाह की है, और अल्लाह के लिए जिससे है। बीवियों की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करो, अल्लाह शेख से भी मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, पीर भाइयों से मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करो। जहां अल्लाह होगा वो मोहब्बत गैरुल्लाह नहीं है,
बीच में अल्फी जहां अल्लाह की उल्फत की लगी हो, अल्लाह के उल्फत की जहां अल्फी लगी हो वो गैरुल्लाह नहीं है। जहां अल्लाह नाराज हो रहा हो उस उल्फत को इश्क न समझो, समझो शैतान का धोखा है और उसको छुपाने की कोशिश करते हो। ये बताओ अपने पीर भाई से, अपने दोस्तों से, अपने नेक दोस्तों से मिलने में क्या इधर उधर आप देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है? बोलो भाई, फिरोज मेमन से मुआनका करने में आप इधर उधर देखते हैं? मगर किसी लौंडे से मोहब्बत करो जिसके दाढ़ी मोछ नहीं, तो बड़े बड़े लोग देखते हैं इधर उधर। यही हदीस शरीफ में आया है कि नाफरमानी की अलामत दो है। नंबर एक, हा काफी सदरी, तेरे दिल में खटक पैदा हो जाए कि मैं गलत काम कर रहा हूं। नंबर दो, करें ताइए तले आलही नाथ, छुपा के करो, देखते रहते हो कि कोई देख न ले। यही दो बात अलामत है कि तुम गुनाह कर रहे हो। गुनाह की दो अलामत याद कर लो, हदीस की है ये। फरमाने रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलीशान कि जिस चीज से दिल में खटक पैदा हो, माहा का फी सदरिक अलिस्म, गुनाह क्या चीज है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा कर दे कि क्या कर रहे हो तुम, अच्छा नहीं कर रहे, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, पसीना आ रहा है। शायर कहता है, न हम आए न तुम आए कहीं से, न हम आए न तुम आए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। ये पसीना क्यों आ रहा है? दोनों शर्मिंदा हो रहे हैं गुनाह करके। न हम आए न तुम आए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। खान साहब, ये शेर सुनाने वाले आपको दुनिया में कम मिलेंगे। मैं अल्लाह ताला के दीन को इंतहाई रंगीन और लजीज करके पेश करता हूँ अल्लाह ताला के करम से। और क्यों वह करहता ये तले आलही नास, तुमको नागवार होता है, देखते रहते हो कोई देख तो नहीं रहा है, ये क्या बात है? यही दो दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब ये दो बात हो जाए समझ लो मैं गुनाह कर रहा हूं। और अल्लाह वाली मोहब्बत में ये सब कहां है? खटकता है दिल चाहता चिपकाए हो अपने अल्लाह वालों को। आप बताओ, अल्लाह पीर और मुर्शिद से जब कोई मानका करता है तो दिल नहीं चाहता कि अलग हो जाए, मगर ये ख्याल होता है कि शेख को तकलीफ न पहुंचे। दिल चाहता शेख को अपने कलेजे में रखने, मेरे लबेजा तेरे लबेजा को चूस कर, रूहानियत का शहर बसाया बदन से दूर। ये मेरा शहर है, इसकी मिसाल लाओ लखनऊ, अहले लखनऊ अहले दिल्ली को ललकारता हूँ कि मेरे लबेजा तेरे लबेजा को चूस कर, रूहानियत का शहर बसाया बदन से दूर। अल्लाह वाली मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से नहीं होता, चुम्मा चाटी से नहीं होता, रूह से होता है और अल्लाह के लिए होती है। मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए होती है, वहाँ गुनाह का तसव्वुर भी नहीं होता। हमारे चैनल अल्लाह वालों की सोहबत को सब्सक्राइब करें। ये शेर मामूली शेर कहना आसान नहीं है। ये रूहानियत का शहर कहीं मिलेगा? केटीए से जाके पूछो कि कोई प्लाट ऐसा है जो रूहानियत के शहर में मिल जाए। ये रूहानियत का शहर अल्लाह वालों का शहर है जहां अल्लाह वाले बसते हो। क्या कहूँ दोस्तों, अजीम नेमत है कोई अल्लाह वाला मिल जाना। वल्लाह कसम खाकर अक्सर कहता है कि किसी अल्लाह वाले की मुलाकात, उसकी सोहबतें, इससे बढ़कर दुनिया में दोनों जहां में कोई नेमत नहीं है। काश की इसकी कदर हो। अक्सर ने तजर्बा करके अल्लाह वालों की सोहबतों से ये जायका चक्कर आपको ये जायका बता रहा है। हमने खुदा ताला के प्यारों पर जवानी देकर ये मजा पाकर फिर आपको ये मजा दे रहा हूँ मिंबर से। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे जवान बच्चे मुझसे ज्यादा बैत हैं बनिस्बत बुद्धों के। आप देख लीजिए खानकाह में, शुमार कर लो कि जो जवान बच्चे हैं काली दाढ़ियां हैं, ये काली घटाएं मेरे हिस्से में आती हैं, लेकिन मैं बरसी बरसाई घटाएं सफेद बादलों को भी कबूल करता हूँ। हो समझ लो क्या मजे हैं, क्योंकि मैं मतलबी यार नहीं हूँ, बरसी बरसाए सफेद बादलों को भी प्यार करता हूँ और उनमें पानी नौ आबे नौ पानी दूसरा पानी देने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत का पानी लेकर इनका खात्मा भी अच्छा हो जाए, बुद्धों का भी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वाला बना दे। बस हमारे चैनल अल्लाह वालों की सोहबत को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।